अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से एक अमेजिंग सी होम रेमेडी लेके आई हूँ, जिसमें हम एक फेस पैक बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तीन इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला हमारा इंग्रेडिएंट है दही, सेकंड हमारा इंग्रेडिएंट है बेसन। बेसन हमारे फेस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, हमारे फेस को डीप क्लीन करता है, ब्राइटनेस लेके आता है और ग्लो लेके आता है। थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारा ऑरेंज पील पाउडर, ऑरेंज के छिलके का पाउडर। ये आपको किसी भी वेबसाइट पे ऑनलाइन इजीली अवेलेबल होगा, और इसके अलावा आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। जब ऑरेंजेस का सीज़न होगा तब आप ऑरेंज के छिलके को ड्राई करके उसका पाउडर बना ले, वो प्योर होगा, बहुत अच्छा है, बहुत इफ़ेक्टिव है, और उसको आप काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए, अगर फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है आपके पास तो इसकी जगह पे आप हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सो सबसे पहले हम लेंगे बेसन। क्वांटिटी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं कम या ज़्यादा। इसके बाद हम लेंगे ऑरेंज पील पाउडर, 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ, 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। लास्ट में हम ऐड करेंगे दही। मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए, दही थोड़ा सा और ऐड करते हैं इसमें। गाइज, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव फेस पैक है, ये आपके फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करेगा, मॉइस्चराइज भी रखेगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ग्लो ले भी आएगा आपके फेस पे, और जितने भी आपके फेस पे जो निशान है दानों के या वैसे कोई निशान वगैरह है तो उसको भी ये स्लोली रिमूव करने में आपको हेल्प करेगा। अच्छे से मिक्स करें। ये देखें, बन गया हमारा फेस पैक। इसको अपने फेस को पहले आप क्लीन करें अच्छे से, उसके बाद अपने फेस पे अप्लाई करें और 10 to 15 मिनट्स अपने फेस पे रहने दें, उसके बाद आप वॉश करें, देन कोई भी मॉइस्चराइज़र टोनर वगैरह जो आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ करें, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।